ऋषि बोले, प्रभु महामुनि, आप हमारे लिए क्रमशः षड्जलिंग स्वरूप प्रणय का, महात्म और शिव भक्त के पूजन का प्रकार बताइए। सूत जी बोले, महर्षियों, आप लोग तपस्या के धनी हैं, आपने यह बड़ा सुंदर प्रश्न उपस्थित किया है, किंतु इसका ठीक ठीक उत्तर महादेव ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं। तथापि भगवान शिव की कृपा से ही मैं उस विषय का वर्णन करूंगा। वे भगवान शिव हमारी और आप लोगों की रक्षा का भारी भार बारंबार स्वयं ही ग्रहण करें। प्राणाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का, प्रणव इससे पार करने के लिए, दूसरी नाव नव, इसलिए इस ओमकार के प्रणव कुछ संज्ञा देते हैं। ओमकार अपने जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रा प्रपंच ना नहीं है, वह तुम लोगों के लिए। अतः इसी भाव को लेकर ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं, अर्थात यह सब तुम उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इसी अभिप्राय से भी इसे ऋषि मुनि प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्रों की पूजा करने वाले उपासक के समक्ष कर्मों का नाश करके यह दिव्य नूतन ज्ञान देता है, इसलिए इसका नाम प्रणव है। उन माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रकट रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नव अर्थात नवीन कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष उसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रकट रूप से नव दिव्य परमात्मा ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए वह प्रणव है। प्रणव के दो भेद बताए गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। एक अक्षर रूप जो ओम है उसे सूक्ष्म प्रणव जानना चाहिए, और नमः शिवा यह पांच अक्षर वाले मंत्र को स्थूल प्रणव मानना चाहिए। जिसमें पांच अक्षर व्यक्त नहीं है वह सूक्ष्म है, जिसमें पांचों अक्षर संयुक्त रूप से व्यक्त हैं वह स्थूल है। जीवान मुक्त पुरुष के लिए सूक्ष्म प्रणव के जप का विधान है, वही उसके लिए समस्त साधनों का सार है। यद्यपि जीवांत मुक्त के लिए वही साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है। तथापि दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक उसके द्वारा प्रणव जप की सहज साधना स्वतः होती रहती है। वह अपने देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जाप और उसके अर्थमूल परमात्म तत्व का अनुसंधान करता रहता है। वह शरीर नष्ट हो जाता है और तब वह पूर्ण ब्रह्म स्वरूप शिव को प्राप्त कर लेता है। यह सुनिश्चित बात है, जो अर्थ का अनुसंधान ना करके केवल मंत्र का जाप करता है उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने 36 करोड़ मंत्र का जप कर लिया हो उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। सूक्ष्म प्रणव के हास्य और दीर्घ के भेद से दो रूप जानने चाहिए, अकार उकार मकार बिंदु नाद शब्द काल और कला। इनमें युक्त जो प्रणव है उसे दीर्घ प्रणव कहते हैं, वह योगियों के ही हृदय में स्थित होता है। मकार पर्यंत जो ओम है वह अउमा इन तीनों शब्द से युक्त होता है, इसी को हव्य प्रणव कहते हैं। आ शिव है, उ शक्ति है, और मकार इन दोनों की एकता होती है, यह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर हस्व प्रणव का जाप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं उनके लिए यह हस्व प्रणव का जाप अत्यंत आवश्यक होता है। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पांचों भूत तथा शब्द स्पर्श आदि इनके पांच विषय, ये सब मिलकर 10 वस्तुएं मनुष्यों की कामना के विषय हैं। इनकी आशा मन में लेकर जो कर्मों के अनुष्ठान में संलग्न होते हैं वे 10 प्रकार के पुरुष प्रवर्त कहलाते हैं अथवा प्रवर्तगामी कहलाते हैं। तथा जो निष्काम भाव से शास्त्र विहित कर्मों का अनुष्ठान करते हैं वे निवृत्त कहे गए हैं। प्रवर्त पुरुषों को हस्व प्रणव का जाप करना चाहिए और निवृत्त पुरुषों को दीर्घ प्रणव का। व्याहतियों तथा मंत्र आदि से इच्छा अनुसार शब्द और कला से युक्त प्रणव का उच्चारण करना चाहिए। वेदों के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय
भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। प्रणव का 9 करोड़ जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ का जाप करने से वह पृथ्वी तत्व पर विजय पा लेता है। तत्पश्चात पुनः 9 करोड़ का जप करके वह जल तत्व को जीत लेता है। पुनः 9 करोड़ जप से अग्नि तत्व पर विजय पा लेता है। तदंतर फिर 9 करोड़ का जाप करने पर वह वायु तत्व पर विजय पा लेता है। फिर 9 करोड़ के जप से आकाश को अपने अधिकार में कर लेता है। इसी प्रकार 9-9 करोड़ का जप करके वह क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पर विजय पाता है। इसके बाद फिर 9 करोड़ का जाप करके अहंकारों को भी जीत लेता है। इस तरह 108 करोड़ प्राणों का जप करके उत्कृष्ट बोध को प्राप्त किया हुआ पुरुष शुद्ध योग का लाभ करता है। शुद्ध योग से युक्त होने पर वह जीवांत मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। सदा प्रणव का जप और प्रणव रूपी शिव का ध्यान करते समय समाधि में स्थित हुआ महायोगी पुरुष साक्षात शिव ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं होता। पहले अपने शरीर में प्रणव के ऋषि छंद और देवता आदि का न्यास करके फिर जप आरंभ करना चाहिए। अकार आदि मातृत्व का वर्णों से युक्त प्रणव का अपने अंगों में न्यास करके मनुष्य ऋषि हो जाता है। मंत्रों के 10 विध संस्कार, मातृका न्यास तथा षोडशोधन आदि के साथ संपूर्ण न्यासफल उसे प्राप्त होता है। प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति निवृत्ति से मिश्रित भाव वाले पुरुषों के लिए स्थूल प्राणों का जाप ही अभीष्ट साधक होता है। क्रिया तप और जप के योग से शिव योगी 3 प्रकार के होते हैं, जो क्रमशः क्रिया योगी, तपोयोगी और जप योगी कहलाते हैं। जो धन आदि वैभव से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कार आदि क्रिया करते हुए इष्ट देव की पूजा में लगा रहता है, वह क्रिया योगी कहलाता है। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाहरी इंद्रियों को जीतकर वश में किए रहता है और मन को भी वश में करके परद्रुह आदि से दूर रहता है, वह तप योगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है तथा समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा पुरुष जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा किया करता है, वह शुद्ध होकर सालों के आदि के क्रम से उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्विजो, अब मैं जप योग का वर्णन करता हूँ, तुम सब लोग ध्यान देकर सुनो। तपस्या करने के लिए जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वथा शुद्ध कर लेता है। ब्राह्मणों, पहले नमः पद हो, उसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शब्द शिव हो, तो पज्जा तत्वात्मक तत्व नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पज्जाक्षर कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। इस पज्जाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पज्जाक्षर मंत्र के आदि से ओमकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। दुजो, गुरु के मुख से पज्जाक्षर मंत्र का उपदेश पाकर जहाँ सुखपूर्वक निवास किया जाता है, ऐसी उत्तम भूमि पर महीने के पूर्व पक्ष में आरंभ करके कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक निरंतर जप करता रहे। माघ और भादों के महीने अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तोत्तम माना गया है। साधक को चाहिए वह प्रतिदिन 1 बार परिमित भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को वश में रखे, अपने स्वामी और माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष एक सहस्त्र जप से ही शुद्ध हो जाता है, अन्यथा वह ऋणी होता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पज्जाक्षर मंत्र का 5 लाख का जप करे। जप काल में इस प्रकार ध्यान करे, कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है, उनका मस्तक श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है, उनकी बाईं जांघ पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हैं।
वहां खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने चारों हाथों में मृग मुद्रा, टंग तथा वर और अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए हृदय और सूर्य मंडल से पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख हो जाकर पूर्वोक्त पज्जाक्षरी विद्या का जाप करें। उन दिनों साधक सदा ही शुद्ध कर्म करें। जप की समाप्ति के दिन कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म करके शुद्ध एवं सुंदर स्थान में स्वच्छ संतोष आदि नियम से युक्त हो शुद्ध हृदय से पज्जाक्षर मंत्र का 12 सहस्र जप करें। तत्पश्चात 5 सापत्निक ब्राह्मणों को जो श्रेष्ठ और शिव भक्त हों वरण करें। इनके अतिरिक्त एक श्रेष्ठ आचार्य प्रवर का भी वरण करें और उसे साम्य सदाशिव का स्वरूप समझें। ईशान तत्पुरुष, अघोर वामदेव तथा सज्जोजात इन पांचों के प्रतीक स्वरूप 5 ही श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों को वरण करने के पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आरंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करके होम आरंभ करें। अपने ग्रह सूत्र के अनुसार सुखांत कर्म करके अर्थात परिसमुहन, उपलेपन, उल्लेखन, मृदु उदरण, अभ्युक्षण इन पज्य भू संस्कारों के पश्चात वेदी पर स्वामी मुख अग्नि को स्थापित करें। कुशक पिंडिका के अनंतर प्रज्वलित अग्नि में आज भगवंत आहुति देकर प्रस्तुति होम का कार्य आरंभ करें। कपिला गाय के घी से 101 अथवा 1001 आहुतियां स्वयं ही दें अथवा विद्वान पुरुष शिव भक्त ब्राह्मण से 108 आहुतियां दिलाएं। होम कर्म समाप्त होने पर गुरु को दक्षिणा के रूप में 1 गाय और 1 बैल देना चाहिए। ईशान आदि का प्रतीक रूप जिन 5 ब्राह्मणों को वरण किया गया हो उनको ईशान आदि का स्वरूप ही समझें तथा आचार्य को साम्य सदाशिव का स्वरूप माने। इसी भावना के साथ उनके चरण धोएं और उनके चरणोदक से अपने मस्तक को सींचें। ऐसा करने से वह साधक अनगिनत तीर्थों में तत्काल स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। उन ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक दशांश अन्न देना चाहिए। गुरु पत्नी को पराशक्ति मानकर उनका भी पूजन करें। ईशान आदि क्रम से उन सभी ब्राह्मणों का उत्तम अन्न से पूजा करके अपने वैभव विस्तार के अनुसार रुद्राक्ष, वस्त्र, बड़ा और पुआ आदि अर्पित करें। तदनंतर दिक्पालदिक को बलि देकर ब्राह्मणों को भरपूर भोजन कराएं। इसके बाद देवेश्वर शिव से प्रार्थना करके अपना जाप समाप्त करें। इस प्रकार पुरुषरण करके मनुष्य उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। फिर 500,000 जप करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। तदनंतर पुनः 500,000 जप करने पर अतल से लेकर सत्यलोक तक 14 भुवनों पर क्रमशः अधिकार प्राप्त हो जाता है। यदि अनुष्ठान पूर्ण होने से बीच में साधक की मृत्यु हो जाती है तो वह परलोक में उत्तम भोग भोगने के पश्चात पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर पज्जाक्षर मंत्र के जप का अनुष्ठान करता है। समस्त लोगों का ऐश्वर्य पाने के पश्चात वह मंत्र को सिद्ध करने वाला पुरुष यदि पुनः 500,000 जप करे तो उसे ब्रह्मा जी का सामीप्य प्राप्त होता है। पुनः 500,000 जप करने से सारूप्य नामक ऐश्वर्य प्राप्त होता है। 100,000 जप करने से वह साक्षात ब्रह्मा के समान हो जाता है। इस तरह कार्य ब्रह्मा का सामुझे प्राप्त करके वह ब्रह्मा का प्रलय होने तक उस लोक में यथेष्ट भोग भोगता है। फिर दूसरे कल्प का आरंभ होने पर वह ब्रह्मा जी का पुत्र होता है। उस समय फिर तपस्या करके दिव्य तेज से प्रकाशित हो वह क्रमशः मुक्त हो जाता है। पृथ्वी आदि कार्य स्वरूप भूतों द्वारा पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत ब्रह्मा जी के 14 लोक क्रमशः निर्मित हुए हैं। सत्यलोक से ऊपर क्षमा लोक तक जो 14 भुवन है वे भगवान विष्णु के लोक हैं। क्षमा लोक से ऊपर सूची लोक पर्यंत 28 भुवन स्थित हैं। सूची लोक के अंतर्गत कैलाश में प्राणियों का संहार करने वाले
रुद्रदेव विराजमान हैं। सूची लोक से ऊपर अहिंसा लोक पर्यंत 56 भुवनों की स्थिति है। अहिंसा लोक का आश्रय लेकर जो ज्ञान कैलाश नामक नगर शोभा पाता है, उससे कार्यभूत महेश्वर सबको आदर्श करके रहते हैं। अहिंसा लोक के अंत में कालचक्र की स्थिति है। यहाँ तक महेश्वर के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है, वहीं तक लोकों का तिरोधान अथवा लय होता है। उससे नीचे कर्मों का भोग है और उससे ऊपर ज्ञान का भोग है। उसके नीचे कर्म माया और उसके ऊपर ज्ञान माया। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी, उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वह माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग यात अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपयुक्त सीमा के नीचे नश्रय भोग है, ऊपर नित्य भोग है। उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है और ऊपर नहीं। वहां से नीचे ही कर्ममय पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव होता है। उससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों में योनियों के चक्कर काटते हैं। उसके ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहां से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम भाव से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं, जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं। वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहां से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहां जन्म जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहां किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहां ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता रहता है। अधो भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते रहते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले होते हैं, वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त होकर भगवान शिव की पूजा में तत्पर रहते हैं, वे कालचक्र को पार कर जाते हैं। कालचक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार की धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्ति रूप है। उसके सत्य शौच अहिंसा और दया ये चार पाद हैं। वह साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, शम कान है और वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है। आस्तिकता उनके दोनों नेत्र हैं। विश्वास ही उनके श्रेष्ठ बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ हैं, वे कारण आदि में स्थित हैं। ऐसा जानना चाहिए उस क्रिया रूप वृषभ का धर्म पर कालातीत शिव आरूढ़ होते हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है, उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है, उससे ऊपर ना दिन है और ना रात्रि है। वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा जी के कारण सत्यलोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं, जो पज्जा भौतिक कंध से आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनमें ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनमें भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र के 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनमें भी ऊपर कारणेश शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदनंतर शिव सम्मत ब्रह्मचार्य लोक हैं। फिर 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदिलिंग प्रतिष्ठित हैं। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करते हैं। वे सृष्टि पालन सहार तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण हैं। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं।
और सदा सब पर अनुग्रह क्रिया करते हैं। वे स्व आत्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन होकर नित्य विराजमान होते हैं। कर्म और ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पद से आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। यदि क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें, जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है, वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्मस्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप होता है। जो पुरुष क्रिया, तप, जप, ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है, वह शिव का साक्षात करके स्वरात्मा स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्यदेव अपने किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्त के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो बताया गया है वह पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था, तत्पश्चात मैंने पुनः जगदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो स्वयं वेद शिव वैभव है, उनका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक में उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसे आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करें। भक्ति की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्त में कोई भेद नहीं है, वह साक्षात शिव स्वरूप ही होते हैं। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही होता है, अतः उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जाप कर लेता है उसके शरीर को उतना ही उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप होता है। वह जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करें। शक्ति, वैर तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इसकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनका पूजन करें। शिवलिंग को शिव मानकर, अपने को शक्ति रूप समझकर, शक्तिलिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर, शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्तिलिंग और शिवलिंग के प्रति उपप्रधान और प्रधान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वह मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप होते हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसे अविष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंग उपासक शिव भक्ति की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। 10, 5 या 100 सपत्निक शिव भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करें। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करें। ऐसा करने वाला पुरुष भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता है।